पीपल्स पार्टी, जनता अधिकार पार्टी, गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा की विशाल महारैली होगी। मुख्य अतिथि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 मार्च को मुबारकपुर में स्पोर्ट ग्राउंड में तशरीफ ला रहे हैं। 3 मार्च को मुबारकपुर में शाह मोहम्मदपुर बाबुल इल्म मदरसा के ग्राउंड में शाम 6 बजे तशरीफ ला रहे हैं। कस्बा जहानागंज मदरसा अनवारुल उलूम के मैदान में बाद नमाज़े जुमा 2 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 37 सालों की ग्राम विकास विभाग की सेवा करने के बाद विकास खंड नारायण बगल के खंड विकास अधिकारी मदन सिंह अतर सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विकास भवन सभागार में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में जनप्रतिनिधियों, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय जनता ने बड़ी संख्या में भाग लेकर खंड विकास अधिकारी मदन सिंह को पुष्पगुच्छ साल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने खंड विकास अधिकारी मदन सिंह के कार्यकाल को विकास खंड नारायण बगड़ के लिए स्वर्णिम काल बताया। इसके बाद अपने संबोधन में मदन सिंह ने कहा कि उनको यहां पर जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों व जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिला, जिससे वह यहां पर अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने में सफल हो सके। इसके लिए उन्होंने सभी का शुक्र गुजार किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। नारायण बगड़ में जो हमारे खंड विकास अधिकारी साहब श्री मदन सिंह जी रहे, इनका जो कार्यकाल रहा ये काफ़ी कम समय के लिए रहा, लगभग 2 साल के लिए रहा, पर बहुत ही उत्तम रहा, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इन्होंने हमसे करवाए और हमें बहुत ही अच्छा गाइडलाइन किया। जैसे इनकी पंक्चुअलिटी, इनके कार्यों के प्रति हमें उत्तरदायित्व, तो इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे आपको काम करने हैं, कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, अपने नौकरी के प्रति कैसे अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है, हमने श्री खंड विकास अधिकारी से सीखा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की और इनके दीर्घायु की कामना करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सर स्वस्थ रहे और उत्तम इनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे मदन सिंह जी जो हमारे यहाँ पे खंड विकास अधिकारी के तौर पे यहाँ पे रहे, आपका कार्यकाल बहुत ही उत्कृष्ट उच्च स्तरीय कार्य यहाँ पे रहा है और बहुत अच्छा आपसे जो है हमारे कर्मचारी ने बहुत अच्छी सीख ली है। इनका जो कार्यकाल है बहुत ही सराहनीय रहा है, चाहे जो है कोई छोटे से लेकर या बड़ा तक हर कार्य में जो है अपने निपुण हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो है सुखी जीवन, जो आपके सेवानिवृत्त आज यहाँ से हो रहे हैं, आप जो है लंबी आयु जिए, आपको जो है भगवान आशीर्वाद दे, फलें फूलें, अपने परिवार के साथ सुखी रहें। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। और जो मेरा 37 साल 13 दिन का कार्यकाल रहा सेवा का, मैंने मन ये किया कि भाई गांव के गरीब आदमी तक जिनकी अपेक्षाएं रहती है सरकार से और कर्मचारियों से कि इस टाइप से उनका विकास हो, उसके लिए मैंने प्रयास किया पूरा। जो आने वाले ये संदेश रहेगा, मेरे छोटे भाई बतौर हैं, बच्चे हैं, वो मेरा ये वो रहेगा उनसे, सभी लोगों से मैंने जैसे कि ऊपर भी कहा मीटिंग में कि भाई जनता के विकास की ओर अपना मन लगा के काम करना और ताकि स्थानीय विकास में जोर होना चाहिए। और अधिक से अधिक, जैसे अभी परसों 24 तारीख को जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए तो जिलाधिकारी महोदय ने पंथी में निरीक्षण किया तो विकासखंड का सराहनीय नाम आया, तो सब लोगों का तो आया, जो हमारे कर्मचारी हैं, प्रतिनिधि हैं, सबका आया। अब पता लगा DM साहब नाराज होते तो अच्छा किसी को नहीं लगता ना, खुश हो के गए, तो ये सब हमारे प्रतिनिधियों का, हमारे कर्मचारियों का, सबका सराहनीय प्रयास तो है ये। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।